रीजनल कमिश्नर श्री पांडुरंग जी, आईजी कश्मीर श्री विजय कुमार जी, यहां उपस्थित भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं स्वर्गीय राहुल भट्ट जी को श्रद्धांजलि देता हूं। आपकी बातें प्रत्यक्ष रूप से मैंने ध्यानपूर्वक सुनी, इसके पहले भी अप्रत्यक्ष रूप से कई सारी जानकारियां आप के बारे में, आपकी तकलीफ के बारे में मिलती रही है। एक बात कही गई कि मैं देर से आया, सच है, मैं उसी दिन आ रहा था। सुबह भट्ट जी की बहन और उनके बहनोई, इन दो लोगों से मेरी मुलाकात हुई थी। मुझे बताया गया था कि एक डेलीगेशन मिलने वाला है, फिर बाद में मुझे कहा गया कि नहीं, लोग चाहते हैं कि वहीं आवे। आप सभी लोग सरकारी मुलाजिम हैं, हमने एक सूचना कराई थी कि धरने से चलिए अपने कैंप में, सड़क से मैं आके मिलूंगा। मैं जब लौट के आया तो मुझे सूचना दी गई कि आपका धरना खत्म नहीं हुआ है। फिर मेरी एक बैठक थी, मैं बैठक में चला गया। बैठक से आने के बाद रात को मुझे जानकारी हुई कि अब आप लोग कैंप में आ गए, फिर मुझे बाहर जाना पड़ा। आने के बाद मैंने कोशिश की तो ये हुआ कि दसवां है, ये दसवां के दिन श्रद्धांजलि आप सब लोग करने वाले हैं, तो इसमें कोई प्रशासन उठाएगा। ये गृह मंत्रालय से स्वाभाविक रूप से 5 लाख रुपया मिलता है, लेकिन इसको इस तरह से समझना या प्रचारित करना, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं। ये बात तरह तरह की शक्तियां हर मामले में काम करती हैं, मुझे भी थोड़ा अनुभव है, तो लेकिन मैं आपको ये भरोसा देना चाहता हूँ, जो बात कही गई है वो की जाएगी। ये उनके नौकरी का जो सवाल है, अभी तत्काल यहाँ कहना ठीक नहीं, अगर ग्रेजुएट है तो उसको जो सुधार होगा, और क्लास 4 में भी उनको लैब अटेंडेंट रखा है, उसमें जो लिखा हुआ है। जम्मू में ही उनकी तैनाती, उनकी बहन ने मुझसे कहा था कि मैंने, हम चाहते हैं कि जम्मू में ही, तो जम्मू में ही तैनाती की गई। पिछले 1.5 साल में ये सच है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का काफी अपर हैंड है, बावजूद इसके छिटपुट घटनाएं हुई है। अब ये इको सिस्टम बड़ा मजबूत है, और वो ऐसा इको सिस्टम है कि हो सकता है यहाँ भी कोई हो जो सूचना दे रहा, कोई नहीं जानता, परछाई पर भी यहाँ संदेह किया जा सकता है। लेकिन मैं ये आपसे नहीं कह सकता कि कोई घटना नहीं होगी, कोशिश हम जरूर कर रहे हैं, लेकिन केवल वो लोग जो बंदूक चला करके लोगों की जान ले रहे हैं, ये हमारे टारगेट नहीं है। वे तमाम लोग हैं जो इस पूरे इकोसिस्टम को चला रहे हैं, और इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि उसको जब तक नस्तनाबूद नहीं किया जाएगा, हम लोग भी चैन से नहीं रहने वाले, क्योंकि ये आतंकवाद बहुत झेल दिया लोगों ने, बहुत निरपराध लोगों का खून बहा है, और किसी निरपराध का खून बहे, मैं समझता हूँ ये गवारा नहीं होना चाहिए। तो इसमें कोई, मैं कहूँ कि भट्ट जी का भी या कोई भी हमारा मुलाजिम मरता है तो वहां जाना, मैं समझता हूँ कि ये दायित्व है। और दो तीन बातें मैं आपसे कहना चाहूंगा। एक तो जो परिस्थिति है जम्मू कश्मीर की, मुझसे बेहतर आप सब परिचित हैं, मैं बाहर से आया हूँ 1.5 वर्ष से, जितना मैंने समझा है, एक कोशिश लंबे समय से यहाँ की जा रही है। आप सब किस योजना के अंतर्गत सरकारी नियुक्ति पाए हैं, मुझे लगता है कि आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात कि प्रशासन, वर्तमान प्रशासन की नियत क्या है, इसको जरा देखने की जरूरत है। 1.5 साल पहले कितने लोग नियुक्त हुए थे, क्या आपके आवास के लिए जगह मिल जाती थी? ठीक है, मैं मानता हूं कि थोड़ी देर लग रही है आपको, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि ईमानदारी से ये नियत रही है कि जो पद थे वो भरे जाएं, स्थान चिन्हित किए जाएं, घर बनाए जाएं, और मुझे लगता है कि उसका ही परिणाम है कि लगभग सारे पद, कुछ को छोड़ करके, जिनमें छोटे मोटे लिटिगेशन है, भर दिए गए, और जो मकान बनने थे उनकी भी जगह चिन्हित हो गई है, कुछ बन रहे हैं, कुछ अंतिम चरण में है। जमीन कोई नहीं बची है कि न चिन्हित कर ली गई हो, डीपीआर कहीं फाइनल स्टेज में है, ये गवारा नहीं होना चाहिए, और इसके लिए फिर संकल्पित है हम लोग। जो लोग रहे हैं आपको मालूम है क्या हुआ है और आगे क्या होगा, कुछ आपकी शिकायतें और भी रही है वो संज्ञान में है, कुछ हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब ने बताया है। इंस्ट्रक्शंस इस बात के दिए गए हैं कि आपको सेफ और सिक्योर्ड स्थान जो है यहाँ, वहां पर
तत्काल किया जाए। काफी कुछ हुआ है, जो बचा है वो भी शीघ्र हो जाएगा। आप अपने ऑफिस में भी, मैंने एक ऑफिसर की ड्यूटी इसलिए लगाई है 6 लाख रूपये की, वो डे टू डे हर हफ्ते हमको रिपोर्ट देता रहे कि इसमें क्या प्रगति हो रही है। डिपकॉम पर्सनली इसको देख रहे हैं। मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि कुछ लोग सुनियोजित ढंग से षड्यंत्र चला रहे हैं, उस षड्यंत्र में फंसने की जरूरत नहीं है। मेरा आपसे विनम्र आग्रह, मैं आपको ये भरोसा देना चाहता हूं कि आपकी जितनी, आपको जितनी तकलीफ है उससे कम तकलीफ हमें नहीं है। हमारे लिए भी, पूरे प्रशासन के लिए एक चुनौती है। वो सरकार के मुलाजिम की हत्या हो जाना, मैं समझता हूं इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण किसी भी प्रशासनिक हेड के लिए नहीं हो सकता है। देखते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही आपको लगेगा कि नहीं, बहुत सारी चीजें हुई हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस मौसम में आप आराम से रहिए, हम लगातार आपसे संपर्क में रहेंगे। जब आप चाहेंगे हम आ भी सकते हैं, आप हमारे यहाँ आ सकते हैं और बातचीत की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ा सकते हैं। इतना हम आपको ये भरोसा देना चाहते हैं कि जब तक संतोषजनक घर आप स्टेज में है, तो ये ईमानदारी से कोशिश की गई। आतंकवाद की जड़ें यहाँ गहरी रही हैं लंबे समय से। एक अंतर को समझना होगा कि पहले घटनाएं होती थी तो 30 साल पहले जिनकी हत्या हुई FIR भी दर्ज नहीं होती थी और जांच भी नहीं होती थी। वर्तमान प्रशासन भट्ट जी की नहीं, किसी भी आदमी की अगर दुर्घटना हुई है या आतंकवाद में मौत हुई है तो उसकी जड़ तक जाने की कोशिश कर रहा है, ईमानदारी से कोशिश कर रहा है, कोई दूसरा एजेंडा नहीं। और मैं कहना चाहता हूं कि ठीक है, घटनाएं हुई हैं और किसी के मौत का कोई मुआवजा हो नहीं सकता है। हमारा भाई, आपका भाई कोई चला जाए तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई उसका मुआवजा दिया जा सकता है। सरकार की अपनी एक प्रक्रिया है। एक बात आपने ध्यान में लाई, उनकी पत्नी को, उनकी बहन और बहनोई जब मिले थे मुझे, उन्होंने बताया था कि ग्रेजुएट है। मैं कह के गया था कि इनकी नियुक्ति तत्काल हो जानी चाहिए। आने के बाद मैंने पता किया तो आधिकारिक तौर पर मुझे किसी ने कहा कि वो इंटरमीडिएट पास है। मेरी बात आपने कहा, मैं चेक करा लेता हूँ, उसमें जो संशोधन की गुंजाइश होगी वो कर ली जाएगी। मुआवजे का जो सवाल है, ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय का एक स्टैंडिंग ऑर्डर है, जिसकी भी मौत मिलिटेंसी में होती है, वो जम्मू कश्मीर का निवासी है, उसको 5 लाख रुपया दिया जाता है। ये मुआवजा वो नहीं है। मैंने उस दिन कहा था कि बच्ची के पढ़ाई की जिम्मेदारी प्रशासन उठाएगा, तो ये गृह मंत्रालय से ये भरोसा देना चाहते हैं कि जब तक संतोषजनक हल आपको न लगे कि हल हो गया, तब तक ये बातचीत जारी रहेगी और इसकी एक अस्थायी मैकेनिज्म। बहुत सारी बातें मैं खुल करके नहीं कहना चाहता हूँ। आपके कई लोगों ने जो यहाँ हैं, जो देश के बाहर हैं, उन लोगों ने भी अनेक प्रकार की सूचनाएं दी हैं जो मेरे ध्यान में है। मैं ईमानदारी से कोशिश करूंगा कि आपकी समस्याओं को का समाधान हो और आप अपने परिवार के साथ सुख चैन से रह सके। इतनी बात मुझे आप सबसे कहनी है और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और आपके लिए तो ही है, किसी भी कर्मचारी के लिए मैं समझता हूँ ये प्रशासन का दायित्व है। और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि इसको इसी मंतव्य से देखने की जरूरत है। किसी के मन में कोई इल फीलिंग हो ये सोचने की भी जरूरत नहीं है। व्यवस्था में दिक्कतें रहती हैं, लेकिन उन दिक्कतों को दूर किया जाएगा। इतना मैं कहकर के फिर से एक बार अजय भट्ट जी को श्रद्धांजलि देता हूँ और आप सबको साधुवाद देता हूँ। मैं एयरपोर्ट से सीधे आया क्योंकि मुझे कल फिर जम्मू जाना है किसी बैठक के, तो मैं काफी मिल लेता हूँ, तो फिर कल चला जाऊंगा, 2 दिन नहीं आऊंगा। मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा मुझे कहने की जरूरत है। आप सब जब चाहें, मैं आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। बिंदुवार जो आपकी दिक्कतें हैं उनको क्रमानुसार कैसे दूर किया जाएगा, और ये मैं आपको भरोसा देता हूँ कि आप निश्चिंत रहिए, ईमानदारी से, न्यायपूर्ण ढंग से आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।